नॉर्मल डिलीवरी के बाद टाके कब और कैसे लगाए जाते हैं, चीरा लगाने की जरूरत किन केसेस में पड़ती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डॉक्टर श्रुति बतौर स्त्री रोग विशेषज्ञ आप सब व्यूअर्स के साथ यही बेहद महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करूंगी। अगर आप ये सारी जानकारी पाने के लिए इच्छुक हैं तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ओन वेलनेस चैनल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर, वेलनेस चैनल टू हेल्प यू स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नॉर्मल डिलीवरी के केसेस में जैसे जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस यानी बच्चेदानी का जोर बढ़ते जाता है, वैसे वैसे बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स है वो सॉफ्ट होते जाता है और उसका डायमीटर बढ़ते चले जाता है। और जब बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स पूरी तरह से खुल जाता है यानी कि वो 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है पूरी तरह यानी कि 100% सॉफ्ट और इफेस्ट हो जाता है, तो फिर बच्चे का मुंह धीरे धीरे सरकते हुए वजाइना के मुहाने पर आ जाता है और वजाइना के मुहाने पे तब बच्चे का सर दिखने लगता है। ठीक इसी वक्त पे अगर डॉक्टर को जरूरत समझ पे आती है तब वह एपिजियोटमी या चीरा लगाया जाता है और इस चीरे को हमारी मेडिकल भाषा में एपिजियोटमी कहा जाता है। तो क्या ये एपिजियोटमी हर कंडीशन में दी जाती है या फिर कुछ खास परिस्थितियों में इसकी जरूरत पड़ती है? खास तौर पर अगर महिला की पहली बार डिलीवरी हो रही हो यानी कि वो प्राइमरी ग्रेविडा हो, ऐसी कंडीशन में जो पेल्विक मसल्स होती हैं वो बहुत टफ और स्ट्रांग होती हैं और इसी वजह से फिर बच्चेदानी के पैसेज को चौड़ा करने के लिए ताकि डिलीवरी आसान हो सके तो अक्सर ही पहली डिलीवरी के केसेस में चीरा लगाया जाता है। हाँ, अगर बच्चे का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो, वजाइनल ओपनिंग पर काफी जगह हो तो कभी कभी फर्स्ट टाइम डिलीवरी होने पर भी चीरा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर फर्स्ट टाइम डिलीवरी ना हो रही हो, दूसरी या तीसरी बार भी हो रही हो, लेकिन अगर बच्चे का साइज ज्यादा है या फिर जो पेल्विक एरिया है वो थोड़ा सा यानी कि बच्चेदानी का जो रास्ता है पैसेज है वो थोड़ा सा सकरा समझ में आ रहा है, यानी कि डॉक्टर अगर असेसमेंट करके उनको लगता है कि बच्चे का सर निकलने में दिक्कत आ सकती है तो ऐसी स्थिति में भी वो चीरा लगा सकते हैं। ऐसा करने से जो वजाइनल पैसेज यानी कि बर्थ पैसेज होता है वो चौड़ा हो जाता है और फिर बच्चे का सर आसानी से निकल सकता है। तो किसी वजह से चीरा नहीं लगाते हैं या नहीं लगा पाते हैं और बच्चे का सर यूं ही निकल आता है तो ऐसी स्थिति में कभी कभी वजाइनल टीयर्स यानी कि वजाइनल एरिया की जो मसल्स होती है, स्किन होती है, उनको क्षति पहुंचने का खतरा होता है और ऐसी स्थिति में फिर टीयर्स हो सकते हैं जो बाद में दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। इसी को अवॉइड करने के लिए वजाइनल एरिया में एपिजियोटमी या चीरा लगाया जाता है। इसके अलावा कभी कभी कुछ नॉर्मल डिलीवरी के केसेस में अगर माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई, थक गई और जोर नहीं लगा पा रही है या हमें बच्चे की डिलीवरी किसी वजह से जल्दी जल्दी कराने की जरूरत है और हम सिजेरियन नहीं करना चाह रहे तो ऐसे केसेस में फिर असिस्टेंट डिलीवरी कराई जाती है। असिस्टेंट डिलीवरी से तात्पर्य होता है कि आप इंस्ट्रूमेंट यानी कि जैसे कि वैक्यूम या फोर्सेस के माध्यम से भी डिलीवरी करवाते हैं। फोर्सेप्स या वेंटूस के लिए यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स को अगर हमें पेल्विस एरिया में डालना है तो उसके लिए हमें जगह क्रिएट करनी पड़ती है और जगह क्रिएट करने के लिए वजाइनल पैसेज को बड़ा करने के लिए भी हम चीरा लगा सकते हैं। अब जानते हैं कि आखिर ये चीरा किस तरह से लगाया जाता है और इसमें कितना पेन होता है। तो जैसे नॉर्मल डिलीवरी के केसेस में अगर फर्स्ट टाइम डिलीवरी हो रही हो या दूसरी या तीसरी डिलीवरी भी हो और डॉक्टर को समझ में आ रहा है कि पेल्विक पैसेज को बड़ा करने के लिए चीरा लगाना है तो जब बच्चे का मुंह बिल्कुल वजाइनल ओपनिंग के मुहाने पर आ जाता है ठीक उसी वक्त पे डॉक्टर एक लोकल एनेस्थेटिक का इंजेक्शन वजाइनल एरिया में फैन शेप्ड मैनर में यानी कि 4 से 5 एरिया में लगाते हैं एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से। उसके बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट का समय लिया जाता है तब तक ये लोकल एनेस्थेटिक का असर आने लगता है। माँ को एनकरेज करा जाता है कि वो नीचे हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ नीचे अच्छी तरह से पूरा जोर लगाकर पुश करे और जो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में गहरी गहरी सांस लेते रहे, इस तरह से बच्चे को नीचे आने का मौका मिलता है। माँ जब जब पुश कर रही होती हो और बच्चे का मुंह बिल्कुल मुहाने पे होता है, जब लोकल एनेस्थेटिक का इंजेक्शन लगाए 5 से 10 मिनट हो चुके होते हैं तब वजाइनल एरिया में टेढ़ा सा कट यानी कि मीडियो लैटरल एपिजियोटमी लगा दी जाती है जिससे कि वजाइनल पैसेज बड़ा हो जाता है। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चे का सर निकलने में होती है तो जब वजाइनल पैसेज बड़ा कर दिया जाता है तब बच्चे का सर निकल आता है, उसके बाद गर्दन और कंधे और फिर पूरा धड़ निकल आता है। जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है उसके उपरांत बच्चे के नाल कट करके बच्चे को चाइल्ड स्पेशलिस्ट को सुपुर्द कर दिया जाता है। इसके बाद तकरीबन 15 से 30 मिनट बाद जब अमल भी निकल आता है उसके बाद देखा जाता है कि अनावश्यक ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, यूट्रस यानी बच्चेदानी अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, सिकुड़ गई है
और वजाइना के अंदर सारे ब्लड क्लॉट्स निकाल लिए जाते हैं और फिर इस चीरे या एपिजियोटमी की स्टिचिंग शुरू करी जाती है। तो जो एपिजियोटमी होती है वो अक्सर ही तीन लेयर्स में करी जाती है। पहली लेयर होती है म्यूकोसा, दूसरी लेयर होती मसल लेयर और तीसरी लेयर होती स्किन, जो कि आपको बाहरी तौर पर दिखाई पड़ती है। आपको बाहर से स्किन दिखाई पड़ रही होती लेकिन अंदर दो लेयर में स्टिचेस ऑलरेडी डॉक्टर आपको लगा के रखे होते हैं। अक्सर ये स्टिचेस लगाने के लिए अब्सॉर्बेबल सूचस यानी कि घुलनशील सूचस का इस्तेमाल करा जाता है, जिनको निकालने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है और ये टाके स्वतः ही घुल जाते हैं। तो जो म्यूकोसा होता है उसको कंटिन्यूस लगातार स्टिचेस लिए जाते हैं, तकरीबन 5 से 6 स्टिचेस लिए जाते हैं। उसके बाद मसल लेयर स्टिच करी जाती है और ऊपरी तौर पर फिर आपकी स्किन को स्टिच कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी वजह से हम इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी फोर्सेप्स या वेंटूस के माध्यम से कराने की आवश्यकता पड़ी थी, ऐसी स्थिति में इंस्ट्रूमेंट को वजाइनल पैसेज के अंदर डालने के लिए और ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है, तो जो एपिजियोटमी है वो थोड़ी सी बड़ी भी डाली जा सकती है और फिर इसके चलते हुए आपके टाके भी थोड़े से ज्यादा आ सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के बाद टाकों की देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए इससे संबंधित वीडियोस मैं पहले भी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिनको आपका काफी प्रेम सराहना सब कुछ मिला है। अगर नॉर्मल डिलीवरी के बाद टाकों की देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए या विस्तार से समझना चाहें तो मेरे पहले के वीडियोस पे जाकर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही संक्षिप्त में ये बताना चाहूंगी कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको टाकों की देखभाल के लिए अपने डॉक्टर्स के कहे अनुसार एंटीबायोटिक्स का सेवन बराबर करना चाहिए। आपका दर्द ना हो इसके लिए डॉक्टर्स आपको 3 से 5 दिन के लिए पेन किलर्स और एंटासिड्स भी दे सकते हैं। टाकों की जगह को पूर्ण सफाई मेंटेन करके रखिए। जितनी बार आप टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, उतनी बार कुनकुने पानी से अपने वजाइनल एरिया को क्लीन करिए और थपथपाकर टिश्यू पेपर या कॉटन कपड़े से सुखा कर रखिए। कॉटन के अंडरगार्मेंट्स इस्तेमाल करिए जिससे कि हवा की आवाजाही बराबर बनी रहे और टाके सूखे रहें। टाकों का निरीक्षण करते रहिए और अगर टाकों में अनावश्यक दर्द हो रहा है या मवाद निकल रहा है, अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही है, तो अपने डॉक्टर से तुरंत ही संपर्क करें और तकरीबन 1.5 महीने तक टाकों पर कुछ एंटीबायोटिक ड्रेसिंग पाउडर या ऑइंटमेंट अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार डालते रहें। डॉक्टर को बराबर विजिट करते रहें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के कहे अनुसार सप्लीमेंट्स बराबर लेते रहें और इस दौरान पैर चौड़े कर या पालथी मार कर ना बैठें और डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी के तुरंत बाद से पूर्ण भोजन लें। पूरा पोषण मिलेगा तो रिकवरी जल्दी होगी और टाके अच्छी तरह से हील पाएंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद आखिर ये टाके और चीरे क्यों लगाया जाता है, किन केसेस में लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है। और चूंकि लोकल एनेस्थेटिक दिया जाता है इस वजह से आपको दर्द नाम मात्र का होता है। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपके लाभप्रद रही होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और कम से कम 5 से 10 परिचितों तक इस वीडियो को शेयर कर उनकी भी जागरूकता बढ़ाने का प्रयास जरूर करिए। जल्दी मुलाकात होगी आप सबसे, तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय फॉर नाउ, विल सी यू ऑल वेरी सून। बाय बाय।